दोस्तों दिन में एक बार ले लो, वात के जितने भी रोग होते हैं, कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, दूर हो जाएगा। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में वात दोष को शांत करने के बारे में महर्षि वाग्भट जी ने विस्तार में लिखा है, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वात प्रकृति के लोग होते हैं, उनके शरीर के अंदर ड्राइनेस, रूखापन ज्यादा होता है, उनके जोड़ों में रूखापन ज्यादा होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उनके बाल भी ज्यादा रूखे होते हैं, उनकी त्वचा भी ज्यादा रूखी होती है। दोस्तों चार ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान जरूर रखना है, इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा इलाज है जो सिर्फ आपको दिन में एक बार करना है और वात के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि वात रोग किन कारणों से होता है, इनके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। अगर किसी इंसान को नहीं पता कि वात रोग के लक्षण क्या है और वो ऐसे ही कोई दवाई खा रहा है, तो उनको ये लक्षण भी जरूर जान लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन चार बातों में सबसे पहली बात है खाने वाला तेल इस्तेमाल करना। जो भी वात के रोग है, वात के रोग होने का सबसे बड़ा कारण है गलत तेल खाना या फिर ज्यादा मात्रा में तेल खाना। तो जिनको भी वात के रोग हैं या फिर वात के रोगों से बचे रहना चाहते हैं, तो उनको हमेशा ही तिल का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर वो मूंगफली का तेल इस्तेमाल में कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। दोस्तों दूसरी बात है तेल की मालिश करना। अगर आप तेल की मालिश करेंगे, वात रोग तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बुढ़ापा भी देरी से आएगा, वात का नाश होगा। अष्टांग हृदय में ये लिखा गया है कि अगर आप अपने पूरी बॉडी पर तेल की मालिश नहीं कर सकते, तो शरीर के ऐसे तीन अंग हैं जिन पर आपको जरूर करनी है। सबसे पहला है सिर पर तेल की मालिश करना, दूसरा है पैरों के तलवों पर तेल की मालिश करना, और तीसरा है कान पट्टी पर, यानी कि कान के जस्ट पीछे तेल की मालिश करना। दोस्तों इन तीन अंगों पर आपको तेल की मालिश जरूर करनी है। बात करते हैं तीसरी बात की। दोस्तों ऐसे कोई भी एक्सरसाइज, ऐसे कोई भी व्यायाम आपको करने हैं जिसमें पसीना आए। लेकिन जिनको भी वात रोग होता है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको भारी भरकम एक्सरसाइज या जिम में एक्सरसाइज नहीं करनी होती, तो वो बहुत आसानी से वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं और अपने शरीर से पसीना निकाल सकते हैं। दोस्तों चौथी बात है आपको कभी भी ऊपर मुंह करके, यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना गिलास को मुंह लगाए पानी पीते हैं ऊपर गिलास करके, तो इस तरीके से आपको कभी भी पानी नहीं पीना, क्योंकि ये वात दोष को बढ़ाता है। अब दोस्तों जानते हैं इसके इलाज के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके कारण क्या है। सबसे पहला, क्या आप मैदे वाली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं जिसके कारण आपका पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, या फिर आप खाने में दालों को ज्यादा शामिल करते हैं प्रोटीन लेने के लिए, क्योंकि प्रोटीन लेने के लिए भी अगर आप एक्सेस मात्रा में दालें खा रहे हैं और आपके शरीर की प्रकृति, आपके शरीर का नेचर वात वाला है, तो ये आपको जोड़ों का दर्द, कमर दर्द ज्यादा दे देगा। इसके अलावा क्या आपको ज्यादातर कब्ज की समस्या रहती है, फिर भी आपके शरीर में वात दोष ज्यादा स्टोर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही है, बॉडी में दर्द रहता है, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, टांगों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपका पेट दर्द रह सकता है और आपके शरीर पर रूखापन रह सकता है। दोस्तों इलाज में आपको मैं 6 ऐसी चीजें बता रही हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ एक चीज आपको बनाकर दिखा रही हूँ, वो आप घर पर जरूर बनाइए। दिन में एक बार आपको इसका सेवन करना है और वात के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज है अदरक। अदरक वात को भी दूर करती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो सूजन और दर्द को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे किचन में मौजूद अजवाइन ये भी वात रोगों को दूर करती है। जो हींग होती है, जो सब्जी में हम डालते हैं, वो भी वात रोगों को दूर करती है। इसके अलावा सौंठ, यानी अदरक का सूखा हुआ रूप भी वात रोगों को दूर करता है। इसके अलावा लहसुन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी वात रोगों को दूर करती है। और 6वीं चीज है अंजीर, ये भी वात रोगों को दूर करती है। दोस्तों अब मैं आपको इन 6 चीजों में से सिर्फ एक चीज बनाकर दिखा रही हूँ, वो है अदरक, कि आपने वात रोगों में अदरक का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। दोस्तों आपको ऐसे लगता होगा कि अदरक का नेचर, अदरक की जो प्रकृति है वो गर्म है, और गर्मियों के दिनों में हम इसे कैसे खा सकते हैं। आपको जो तरीका मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी वो आपके पेट में गर्मी नहीं करेगा, इसके अलावा ये आपके पाचन तंत्र को भी तेज कर देगा और वात के रोगों को भी दूर कर देगा। दोस्तों यहाँ आपने इतनी अदरक ले लेनी है,
और उस अदरक को आपने अच्छे से छील लेना है, इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। इस छिलके को फेंकिएगा नहीं, बल्कि इसके सूखा कर आप इसका सौंठ का पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इस अदरक को आपने छीलने के बाद इसको बारीक बारीक पतला लंबा काट लेना है। इस तरीके से आपने इसे काटना है, बहुत पतला और बारीक आपने इसे काट लेना है और आपने इसे एक प्लेट में डाल लेना है। इसके ऊपर हमने दो चीजें और डालनी है। सबसे पहली चीज है नींबू। डरिएगा मत, आप सोचेंगे कि जोड़ों के दर्द में हम नींबू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस अदरक का सेवन भी दोपहर के टाइम करना है और नींबू बहुत ज्यादा नहीं डालना, हमने इतना डालना है कि ये एक औषधि के तौर पर तैयार हो जाए और इस अदरक का रंग भी लाल हो जाए। दोस्तों हल्का सा नींबू आप इसके अंदर निचोड़ दीजिए, यानी कि एक चम्मच का चौथा हिस्सा इसके अंदर डाल देना है। ऐसा करने से इस अदरक का जो रंग होगा वो लाल हो जाएगा। अब दोस्तों जो तीसरी चीज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे तो आप सेंधा नमक ले लीजिए या फिर आप काला नमक ले सकते हैं। सिर्फ अपने 2 से 3 चुटकी ही नमक का इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे आप कितने दिन तक स्टोर करके यानी बनाकर रख सकते हैं, तो आप 1 हफ्ते के लिए इसे बनाकर रख सकते हैं। 1 हफ्ते से बनाकर इसे ज्यादा नहीं रखिए, क्योंकि हमने इसे फ्राई नहीं किया, तेल में तला नहीं है, तो ये खराब हो सकती है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। दोस्तों कहने को तो ये एक अचार तैयार हो गया। लोग ज्यादातर इसे घरों में बनाकर रखते हैं और खाते हैं, लेकिन वो शायद इनके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते कि ये एक वातनाशक औषधि तैयार हो गई। अगर आप दिन में वो भी दोपहर के टाइम इसका सेवन, सिर्फ इसमें से आपने 2 से 3 कली ही लेनी है इस अदरक की, और अगर आप रोजाना इसका खाने के साथ यानी भोजन करने के साथ इसका सेवन करते हैं, तो वात के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। वात शरीर में नहीं बनेगी, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से ही तो वात बनती है, जो हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है और हमें दर्द देती है। हमने खाना खाने के साथ ही इस अदरक के सिर्फ 2 से 3 पीस का सेवन करना है और आप देखेंगे कि वात के जितने भी रोग हैं जिसके कारण आपको चलने फिरने में मुश्किल आ रही थी वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ आपको एक काम और करना है, हो सके तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 1/2 चम्मच गुड़ का घोल लीजिए, यानी कि गुड़ का पानी आपने 1 गिलास तैयार कर लिया, दिन में कभी भी ले लीजिए। दोस्तों ये ना तो आपके शरीर में खून की कमी होने देगा और ना ही कैल्शियम की कमी होने देगा। इसके अलावा जब भी पानी पिए तो फ्रिज का पानी नहीं पीना, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आप मटके वाला पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी करके पी ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।